कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक आपके साथ, मैं हूं अमित तिवारी। सिंधिया को हराने वाले एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। ऐसा कुछ उन्होंने कह दिया कि चर्चा में आ गए सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव, और कहा क्या और समर्थन क्या किया उस पर सवाल उठने लगे। ये बात अलग है कि बाद में अपने ही बयान से पलट गए सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव। मामला क्या है आपको बता दूं। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर श्रद्धांजलि देने बलिदान दिवस पर पहुंचे थे केपी यादव। उन्होंने ऐसी मांग का समर्थन कर दिया जो कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस की तरफ से दरअसल मांग हो रही है कि ग्वालियर जो है उसका नाम बदलकर ग्वालियर शहर का रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर कर देना चाहिए। तो सुनिए पहले सांसद जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि हाँ, बदलना चाहिए, ये सम्मान की बात होती है। देखिए, ये प्रजातंत्र है, अगर लोगों की ऐसी इच्छा है तो बिल्कुल करना चाहिए, अगर लोगों की भावनाएं हैं तो उनके अनुरूप सरकारों ने काम करना चाहिए, और हमेशा ये होता आया है। आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मीबाई के नाम? बिल्कुल, अगर ऐसे वीरांगना के नाम पे किसी शहर का नाम होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, केपी जी, इनके साथ और भी एक थे, अमरचंद भाटिया, जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, क्या उनकी भी बननी चाहिए? बिल्कुल, मैंने जैसा अभी आपको बोला कि जितने भी लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी में उस यज्ञ में आहुति दी है, उन सभी की पहचान होनी चाहिए, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जिनको नहीं मिला है। हम और आप सभी जानते हैं कि इतिहासकारों ने बीच में कई लोगों को हम भूल गए, कई लोगों को पहचान भी नहीं मिल पाई, जो उनका बलिदान था उसको याद हम कैसे करें जब तक हमें उनका बारे में जानकारी नहीं होगी। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को खोजना चाहिए जिनका देश के लिए कोई योगदान रहा है, और बिल्कुल उन्हें उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। अगर ग्वालियर सहयोग करता तो क्या रानी लक्ष्मीबाई इतनी जल्दी काल के मुंह में समा चुके? देखिए, ये तो इतिहास में मैं जाना नहीं चाहूँगा, बस मैं ये चाहूँगा कि इस स्थान पे हर राष्ट्रभक्त को आना चाहिए, और ज़रूर इस जगह को नमन करने ज़रूर आना चाहिए, ताकि हमें देशभक्ति की राष्ट्र के प्रति कुछ प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा मिले। सुना आपने, ये बयान दिया केपी यादव ने, और उसके बाद सियासत तेज हो गई, निशाने पर आ गए केपी यादव। लगा कि क्योंकि इस बयान में आपने सुना भी होगा पहले कि जब उनसे पूछा गया था क्या सिंधिया को भी आना चाहिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर, क्योंकि दरअसल जो कांग्रेस के लोग हैं अब वो भी जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, पहले नहीं जाते थे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, विधायक हों या ग्वालियर के जिला अध्यक्ष हों, लेकिन हमेशा सिंधिया के विरोधी जो है राजनीतिक, वो लक्ष्मीबाई के नाम पर इतिहास का हवाला देकर सिंधिया पर निशाना साधते रहते हैं। अब चूंकि मामला जब हो गया, इतना बढ़ गया, पूछा गया था, आपने सुना होगा बयान में कि आज सिंधिया को भी आना चाहिए, तो हंसकर बात को टाल दिया था, लेकिन इशारा सिंधिया की तरफ पर था कि ये कहते हुए कि हाँ, हर राष्ट्रभक्त को यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे इस मामले में, जैसे ये बयान आया सियासत तेज हो गई, और अपने ही बयान से देखिए कैसे पलट गए सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव, जो अब कह रहे हैं कि पत्रकारों ने उनसे क्या पूछा उन्हें समझ में नहीं आया उस समय। सुन लीजिए, ग्वालियर का नाम बदलने के लिए आपने पेशकश की है कि रानी लक्ष्मीबाई? नहीं, आज मैं रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पे आया था, पर ये ग्वालियर का नाम बदलने की बात कहां से आ गई? आपने ऐसा बोला है? नहीं, वहां कार्यक्रम चल रहा था, कुछ पत्रकार पूछ रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या है, क्योंकि कांग्रेस तो कुछ भी कहती रहती है। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस की बातों पे ध्यान दिया जाता है क्या? कांग्रेस तो उल जरूल कोई भी बात करती रहती है। आज जो है रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस था, कोई भी राष्ट्रभक्त हो, मैंने ये कहा कि उसको यहाँ आकर नमन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हर हिंदुस्तानी के लिए, जो लोग हम धर्म में विश्वास रखते हैं, हमारे लिए जैसे तीर्थ स्थल होता है, जो आस्था रखता है ईश्वर में, उसी तरह बलिदान दिवस पर, बलिदान स्थली पर हर राष्ट्रभक्त को आकर नमन करना चाहिए, जहाँ से हमें अच्छे संस्कार मिले, देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले। तो मेरे ख्याल से ऐसे दिन पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो सिंधिया को हराने वाले सांसद अब कांग्रेस को घिरने में लग गए, क्योंकि सवाल उठ गए थे क्या कांग्रेस के साथ में है सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव, क्योंकि कांग्रेस की मांग का समर्थन कर रहे हैं, ग्वालियर को नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। तो जैसे ही चर्चा तेज हो गई तो अपने बयान से भी पलट गए सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव, और अब कहा कि उनको पता नहीं था कि पत्रकारों ने क्या पूछा। ग्वालियर से आप तक एक खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता सर्वेश पुरोहित ने, आप देख रहे हैं।